हे गाइस, क्या हाल चाल है यार। आई हो सब लोग बढ़िया हो गया। तो मैंने कहा आज को बी आर रैंक के लिए एक और यहाँ पास तगड़ा वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। जो आज का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है वो यहाँ पास काफ़ी यहाँ पास तबाही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोग सी एस रैंक में यूज़ कर सकते हो और आप लोग बी आर रैंक में भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको सी एस रैंक में आपको लास्ट जो करेक्टर है उसको आपको चेंज करना होगा। जो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर उन लोग बहुत ही सारा कमेंट करते हैं, आप लोग देख सकते हो। अजीम भाई ने पास कमेंट किया था, उसने बोला था कि भाई सैनिक करेक्टर है उसके लिए बेस्ट वाला करेक्टर कौन सा आओ यार प्लीज़ भाई। तो मैंने आ चुका हूँ हमारे अजीम भाई के लिए बेस्ट वाला करेक्टर कौन सा उसके डिमांड पे यार। जो से आप सौ देता हूँ हमारे अजीम भाई को। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट वीडियो को लास्ट जरूर से आपको देख लेना है। तो क्या करना है आपको, जो फर्स्ट करेक्टर है उसमें आपको यूज़ करना है सैनिक करेक्टर। आप सैनिक करेक्टर का पता होगा, इसका स्किल क्या होगा नहीं पता है ना, तो आपको बताता हूँ ठीक है। सैनिक करेक्टर है वो क्या करता है, जैसे आप लोग कोई भी एक्टिव करेक्टर का यूज़ करते होगा ठीक है, कोई भी अगर एक्टिव करेक्टर का यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पास 50 यहाँ पास सिविल पॉइंट मिलते आएंगे ठीक है। जैसे आपको बंदा मारेगा ना तो इस सिविल पॉइंट का डैमेज पड़ने वाला है लास्ट यहाँ पर जितना 5 सेकंड तक सिविल पॉइंट आपका रहेगा। आप देखो यहाँ पास मैं सैनिक करेक्टर का यूज़ कर रहा था, आप देखो एक बंदे में बंदा नॉक हो चुका था तो मेरे बंदे के पास काफ़ी यहाँ पास डैमेज दिया गया ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे वो बंदे ऊपर रश करूँगा कोई भी एक्टिव करेक्टर का यूज़ कर, एक्टिव करेक्टर यूज़ किया और आप लोग देख सकते हो कि मेरा एच पी यहाँ पास कितना यहाँ पास बढ़ चुका था। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपको जो नीलम का पट्टी है ना उसमें आपको पता चलने वाला है। आपको जो एच पी रहता है उसके ऊपर आप नोटिस करना, आप लोग एक बार नोटिस करना कि उस पर ऊपर एक नीला रंग का पट्टी आ जाएगा जिससे आप लोग कोई भी एक्टिव करेक्टर का यूज़ करोगे तो ठीक है। देखो एक बंदे में काफ़ी सारे से बंदे को नॉक कर दिया, अगर एक बंदा और यहाँ पास आ रहा था। अब मैं क्या करूँगा, देखो एक्टिव करेक्टर का यूज़ करूँगा ना, देखो ऊपर देखो नीला रंग का पट्टी यहाँ पास आ चुका है, उसकी वजह से मैंने बंदे को काफ़ी आसानी से बंदे का पास नॉक कर दिया काफ़ी ईजिली गए। तो यह है सैनिक करेक्टर का पावर यार, आप लोग एक बार यूज़ करके जरूर से देखने गए ठीक ना। अब जो सैनिक कटर है वो आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं आप लोग यूज़ मत करना है ठीक है। आपको जो एक्टिव कटर है उसको को परफेक्ट आप लोग एक्टिव कटर को आपको ढूंढना है ठीक है। अब देखो इतने सारे यहाँ पास एक्टिव कटर है, आप लोग कोई भी एक्टिव कटर में आप लोग यूज़ करेंगे ना तो आप लोग एक ही बार यूज़ कर पाओगे गाइस ठीक ना। जो मैं आपको बताऊंगा एक्टिव कटर उसको आप लोग यूज़ करेंगे ना तो आप लोग अनलिमिटेड आप लोग यूज़ बार कर सकते हो। उस कटर का नाम है गाइस तस्तुया करेक्टर। आप तस्तुया करेक्टर यूज़ करेंगे ना तो आप उसका स्किल को एक नहीं दो नहीं आप लोग यहाँ पास 3 बार यूज़ कर पाओगे। क्यों? देखो तस्तुया करेक्टर का पावर कितना है आप लोग पता होगा, इससे आप लोग एक नहीं दो नहीं आप लोग यहाँ पास 3 बार यूज़ कर सकते हो ठीक है। आप जैसे आप लोग 3 बार यूज़ करेंगे तो सैनिक करेक्टर का पावर है वो भी यहाँ पास 3 बार यूज़ हो जाएगा ठीक है। आप देखो यहाँ पास क्या करूँगा, गाड़ी से यहाँ पास जा रहा था, बंदे को मैंने काफ़ी यहाँ पर डैमेज दिया। अब मैं क्या करूँगा, तस्तुया करेक्टर का यूज़ करूँगा और बंदे का देखो बंदे को नॉक कर दिया। उसने यहाँ पास क्या सोनिया करेक्टर का यूज़ कर रहा था, मैं बगल से आया और बंदे का पास फिनिश कर दिया। देखो एक बंदा ऊपर में था, देखो बंदे का मैं काफ़ी आसानी से बंदे का पास हेड शॉट मार कर बंदे का पास फिनिश कर दिया। अगर जा रहा था ऊपर में पीछे से मेरे को बंदे ने डैमेज दिया और उस बंदे को मैंने काफ़ी इजी पीजी यहाँ पास बंदे को नॉक कर दिया काफ़ी आसानी तरीके से, वो भी किस तरह से तस्तुया कटर की मदद से। तो क्या करना है आपको, जो एक्टिव कटर आपको यूज़ करना है उस कटर के नाम में तस्तुया कटर को यूज़ करना है सैनिक कटर के साथ गाइस। अब बात करते हैं कि आप दो स्किल यहाँ पास खाली है, हम फर्स्ट में तस्तुया का लगा लिया लेकिन दो स्किल खाली है उसमें और कौन कौन से कटर को लगाएं। तो बात करते हैं आप सेकेंड कटर स्किल की, जो सेकेंड कटर स्किल है उसमें आपको लगाना है एंटोनियो करेक्टर का ठीक है। आप एंटोनियो करेक्टर आप लोग सोचोगे कि एंटोनियो करेक्टर क्यों लगाए, देखो एंटोनियो करेक्टर लगाओगे ना तो आपको एक्स्ट्रा आपको और यहाँ पास 40 एच पी यहाँ पास मिलने वाला है। क्यों? देखो जैसे आप लोग कोई करो आपको अनलिमिटेड पूरे मैच में आपको यहाँ पास 40 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देता रहेगा। जैसे खत्म होगा फिर से आपको 40 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा, फिर खत्म होगा फिर आपको मिल जाएगा, कुछ ही देर में आपको जो इससे है आपको मिलता रहेगा पूरे अनलिमिटेड आपको मैच में आपको मिलता रहेगा। और आप लोग देख सकते हो जो मेरे को अपनी नीलरंग पट्टी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पास आ चुका है। आप लोग देखते हो फिर से गायब हुआ, अगर जैसे आप कुछ मैं यूज़ करूँगा देखो फिर से आप लोग देखते हो मैं यहाँ पर सैनिक कटर भी यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर एंटोनियो कटर का पावर है, यहाँ पर दोनों में यूज़ हो रहा है। आप लोग देखते हो एक पट्टी आ रहा है ना यहाँ पर एंटोनियो कटर का पावर है, अगर दो पट्टी आ गया ना यहाँ पर सैनिक कटर का पावर है, मतलब कि यहाँ पास 90 एच पी यहाँ पास मेरा एक्स्ट्रा है। तो मैं किसी बंदे मेरे को बंदा पर आसानी से मार नहीं पाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एंटोनियो कटर और यहाँ पर सैनिक कटर दोनों कटर का यूज़ कर रहा हूँ।
तो आपको जो एच पी है वो यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है यहाँ पास एंटोनियो कट्टर की मदद से। तो क्या करना है आपको, जो सेकंड कट्टर स्किल है उस लोग को यूज़ करना है, एंटोनियो कट्टर का यूज़ करना है सनी कट्टर के साथ। अब बात करते हैं कि लास्ट टाइम लोग कौन सा कट्टर का यूज़ करें जिससे हमारा एच पी और भी यहाँ पास बढ़ जाए। तो क्या करना है, जो आपको लास्ट कट्टर में कोई यूज़ करना है उस कट्टर का नाम होगा लुकेटा कट्टर, ठीक है। अगर आप लुकेटा कट्टर का यूज़ करते हो तो आपका एच पी है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्यों, देखो जो लुकेटा कट्टर है आपका जो एच पी को 50 एच पी और यहाँ पास एक्स्ट्रा यहाँ पास कर देता है। देखो कोई भी आप लोग दो बंदे के पास आपको मारना है, आप लोग बी आर खेलते हो, आप लोग दोस्तों दो बंदे को मार चुका हूँ तो मेरा एच पी कितना है 250 एच पी है, ठीक ना। आप लोग बी आर रैंक खेलते हो तो आप लोग दो बंदे को तो मार ही पाओगे यार, तो आपका एच पी यहाँ पर 200 से बढ़ गया, आपका एच पी यहाँ पर 250 हो जाएगा। उसके बाद जो एंटोनियो कट्टर है वो आपको दो एक्स्ट्रा आपको 40 एक्स्ट्रा पर दे देगा, तो कितना होगा 290 आपका एच पी हो जाएगा। उसके बाद आपको सनी कट्टर है वो आपको कितना एच पी देगा, 50 एच पी और यहाँ पर सिल्वर पॉइंट की तरफ से देगा, तो आपको यहाँ पर 340 एच पी आपको हो जाएगा। और 340 एच पी सोच सकते हो कि कितना आपका एच पी यहाँ पर बढ़ने वाला है, ठीक ना। अगर सामने में बंदा है जिसको मैं काफ़ी यहाँ पर डैमेज दिया गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार तस्टे कट्टर का यूज़ करूँगा। देखो यहाँ पर तस्टे का यूज़ किया, आप लोग देख सकते हो कि डबल यहाँ पर पट्टी यहाँ पास आ चुका है। एक है एंटोनियो कट्टर का पावर और यहाँ पर एक है सनी कट्टर का पावर, जिसकी वजह से मैंने बंदे को काफ़ी आसानी से बंदे के पास लॉक करके यहाँ पास फिनिश कर दिया। और आप लोग देख सकते हो जो मेरा एच पी है वो अभी भी एकदम फुल है गाइस, ठीक ना। अगर जोन आ चुका है देखो, पीछे से डैमेज दिया उसे मैंने हेडशॉट मार के मैंने बंदे को काफ़ी आसानी तरीके से बंदे का पास फिनिश कर दिया। तो ये है यहाँ पास लुकेटा कट्टर का पावर गाइस, समझ गए। ये तो होगा बी आर रैंक के लिए भाई बेस्ट वाला कट्टर कौन सा यार। अब बात करते हैं कि सी एस रैंक के लिए लोग कौन कौन सा कट्टर का यूज़ करें। तो सी एस में क्या करना है, आपको जो कट्टर है ना गाइस उसमें आपको यूज़ लग रहना है। लास्ट में जो एंटोनियो कट्टर है लास्ट में कोई है लुकेटा कट्टर का को चेंज कर देना है, ठीक है। लुकेटा कट्टर को हटा देना है, उसकी जगह आप लोग कोई भी कट्टर का यूज़ कर दो, चाहे आप लोग हैथो कट्टर का यूज़ कर सकते हो, चाहे आप लोग लूला कट्टर का भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसको आप यूज़ नहीं करते हो तो आपको जो लास्ट में आपको यहाँ पर जोटा कट्टर का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी यहाँ पर गजब होने वाला है सी एस रैंक के लिए, ठीक ना। तो ये तो बी आर रैंक के लिए है गाइस, सी एस रैंक के लिए आप लोग वो वाला कट्टर का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा यार, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो गए सब्सक्राइब कर देना ऐसे कट्टर कौन सा वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग बस कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया कि नहीं आएगा, ठीक ना। आपको नेक्स्ट में कौन सा कट्टर कॉन्सन चाहिए वो भी कमेंट करना यार। नेक्स्ट वीडियो में ओरिजिनल कट्टर का कॉन्सन आने वाला है गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।